देखिए, आगाज तो आज का नहीं किया हूं मैं, आप देखे होंगे तो काफी दिनों से मैं इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, और मेरी मानसा यही है कि मैं इस बार लोकसभा चुनाव लड़ूं, दमखम से लड़ूं, जितनी मेरी पहुंच है, जितने मेरे पास संसाधन है, बुद्धि विवेक है, सबका इस्तेमाल करूं और मैं इस लोकसभा चुनाव में भागीदारी अपनी पेश करूं। देखा जा रहा है कि बहुत दिग्गज दिग्गज लोग आ रहे हैं चुनावी मैदान में। रीना साहब हैं, ओम प्रकाश यादव हैं, वर्तमान में कविता सिंह हैं, और आपके अवध बिहारी चौधरी भी हैं। तो अपने आप को आप कहाँ पाते हैं इन देखिए दिग्गज के बीच में? देखिए, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, राइट, वो भी कभी जमीन से ही शुरू किए होंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो दिग्गज हम और आप जैसे लोग मिलके ही बनाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि दिग्गज है तो एक निर्दलीय प्रत्याशी में हम जैसे आम लोगों का जितना संभव है। ये तो अपना इतिहास रहा है भारतवर्ष का कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जहाँ चाहे अपने स्थान बना सकता है अपने दम पे, अपने मेहनत से। ये बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, या पॉलिटिक्स हो, जितने भी अच्छे पॉलिटिशियन आप देखे होंगे हमारे आपके जैसे परिवार से ही लड़के जो हैं हिम्मत करके सामने आए हैं और कुछ किए हैं। से आप जुड़े हुए थे और उसमें अच्छा खासा आप कमा रहे थे, साइंटिस्ट थे, और उसके अलावा इस प्रोफेशन में आने का मकसद क्या है, किस तरह से हाँ, किया? देखिए मैं प्रोफेशनली डेटा साइंटिस्ट हूँ और काफ़ी दिन अब्रॉड रह चुका हूँ, और इवन मतलब अभी मुझे पिछले 3 साल से मैं US का जॉब छोड़ के इस फील्ड में आया हूँ। आने की वजह यही रही है कि कोरोना काल में रहने का मौका मिला मुझे यहाँ पे, और देखने को मिला क्योंकि अपने घर में परिवार में कुछ बच्चे नशे के गिरफ्त में आ गए, और जैसे मैंने बताया मेरा रिसर्च ओरिएंटेड वर्क रहता है, तो मैं उसके पीछे पड़ा तो पता चला कि हर तीसरे चौथे घर में लड़के जो हैं नशा के गिरफ्त में हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सरकार तक पहुंचाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि इस पे पाबंदी लगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज मेरे घर का लड़का बर्बाद हुआ है तो सबको ही सुरक्षित है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि इन चीज़ों पे अंकुश लगाएं, पाबंदी लगाएं कि कल के डेट में और बच्चे बर्बाद नहीं हों। जो बच्चे बड़े हो के 10th 12th या ग्रेजुएशन करके इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट या कुछ भी बनेंगे, वो बर्बाद हो रहे अच्छा हैं। सर, आपने बताया कि नशे की लत को मत छुड़ाने के लिए राजनीति में और भी बहुत से तमाम जरिया था जिससे आप इसको दूर कर पाते, लेकिन राजनीति को ही क्यों चुना? देखिए, राजनीति में ही आपको पावर मिलता है जिस पे आप एक्शन ले सकते हैं, प्रशासन पे आप प्रेशर डाल सकते हैं। मैं तो वही सोचा था पहले कि मैं एक रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को दे दूंगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि भाई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाता कौन है, फाइनली लीडर्स ही चलाते हैं, और कोई ऐसा लीडर्स नहीं है जिसको पता नहीं है हमारी समस्या क्या है। रोज रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि रोडों का चौड़ीकरण कितना आवश्यक है? रोडों पे डिवाइडर होना चाहिए, वहीं दूसरे स्टेट में हर एक रोड पे डिवाइडर है जिसकी वजह से रोडों का एक्सीडेंट कम होता है। लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम होता है। आप दरौली में अरवा का मार्ग ले लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट है उसको बनाना, या इस रोड की बात ले लें आप, ट्रक इस पे जाते हैं, बालू वाले ट्रक सब आए दिन रोज इस पे एक्सीडेंट होता है। कोई ऐसा रोड नहीं है, आप पटना वाला, तरवाड़ा वाला रोड ले लीजिए, इतना भयानक रोड है जिस पे मतलब कितना एक्सीडेंट होता है, लेकिन किसी का नजर नहीं जाता, जानते तो सब कोई है। उसी तरह नशे की बात है, उसी तरह ट्रैफिक की समस्या, हर एक बाजार में ट्रैफिक की समस्या है। कोई अगर बीमार पड़ा है तो उसको गाड़ी लेके अगर ट्रैफिक में फंस गया तो 2-2 घंटे लग जाते हैं सिसवन ढाला या किसी भी बाजार से निकलने में ट्रैफिक की वजह से। किसी भी बाजार में आप जाके देखिए, सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारी माता बहनों को आज के डेट में भी रोडों के किनारे बैठ के स्वच्छ जाने के लिए मतलब बाजार आते हैं तो बैठने के लिए मजबूर होना, इससे निंदनीय क्या हो सकती है आज के जमाने में। प्रकाश मणि जी, आप फाइनली लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने किसी पार्टी का चयन नहीं किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव देखा जाता है कि पार्टी बेस रहता है और वोटर भी यही सोचकर वोट करते हैं, आप पे विश्वास करेंगे वोटर, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, वोटर के सामने तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि किसी भी पार्टी को हम लोग वोट देते हैं, फाइनली जो शीर्ष नेतृत्व तो वो हमको यूटिलाइज करता है। आप देख लीजिए बिहार की राजनीति, मैं सब पूरे इंडिया के हटा देता हूँ, नीतीश कुमार की राजनीति को ले लीजिए। अगर उनको मैंडेट मिला था तो राजद में गए, जब राजद से सपोर्ट मिला तो बीजेपी में, अपने सुविधा के अनुसार वो चले आते हैं। तो हम जैसे जो वोटर, हम ही अपना वोट दे के उनको जिताए हैं, उनके पार्टी को, तो हम जैसे लोगों के वोट की वैल्यू कहाँ रह जाती है? तो अभी तो जनता को ये क्रिस्टल क्लियर है कि उन्हें एक अच्छा नेतृत्व तो चाहिए। पार्टी पे तो इस बार वोटिंग होने वाली है ही नहीं, मैं तो लिख के देता हूँ, जब तक कोई अच्छा हर प्रकाश पार्टी से अच्छा चेहरा नहीं आएगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। प्रकाश मणि जी, लोकसभा चुनाव जनता सांसद चुनती और सांसद प्रधानमंत्री चुनता है,
तो आपका चुनाव जीतने के बाद से आपका पद कहाँ रहेगा? देखिए, चुनाव जीतने के बाद तो नो डाउट इस बार जो जैसा कि लहर है उसमें बीजेपी बहुत आगे है, कहने को नहीं है। लहर के साथ नहीं, लहर के साथ नहीं, जो भी अगर सेंट्रल में जाता है उनके साथ जाने मजबूरी हो जाती है। मोदी जी के कार्यों से खुश? देखिए, मोदी जी के सब कार्यों से तो मैं खुश नहीं हूँ। बिहार के प्रति जो उनका रवैया रहा है, मैं उनका सपोर्टर हूँ, मैं उनको लाइक करता हूँ। जो राम मंदिर वगैरह किए हैं वो हिंदू आस्था के प्रति काफी अच्छा चीज है, काफी दिन से पेंडिंग था। लेकिन बिहार के प्रति जो उनका रवैया रहा है, अब होली आने वाला है, छठ तो बीत गया, होली आने वाला है, स्टेशन का नौ निर्माण हो रहा है उसको, मतलब कहा जाता है ना, उसको चमकाया जा रहा है बाहर से। लेकिन हमारे यहाँ आवश्यकता क्या है? ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की। छोटे छोटे दुरौंधा हो गया, मैरवा हो गया, जीरादे, ऐसे स्टेशन पे जो स्टॉपेज थे ट्रेन, उनको बंद कर दिया गया है। सोचिए जरा, अभी होली आ रहा है, देखिए क्या है, लोग कितने लोग दम तोड़ेंगे। मोदी जी से राम मंदिर बनाने के कारण प्रभावित नहीं, ये तो देखिए, ये तो आस्था का विषय है। आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं आपका एक आस्था रहता है। प्रभावित इसलिए कि कोरोना काल में जो उनका काम रहा है उससे मैं लेके काफी प्रभावित रहा हूँ। कोरोना काल से पहले भी कई ऐसे आपदाएं हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार थी। हाँ बिल्कुल, हैजा था, पोलियो का था, इसमें भी तो बहुत काम किया कांग्रेस। ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल एक ही सरकार आके आज भारत को इस मुकाम पे पहुंचा दी है। जो भी सरकार रहे हैं पिछले हमारे 75 वर्षों में, जो भी गवर्नमेंट रही है, सबका योगदान रहा है, तब जाके भारत यहाँ पे पहुंचा है। देखिए, मैं एक कहना चाहता हूँ कि एक आम परिवार का लड़का आप लोग के समक्ष आया है और मैं हिम्मत किया हूँ, और कुछ नहीं, एक लोकसभा चुनाव लड़ना, अपने जमा पूंजी को लेके, मतलब अपने बच्चों के फ्यूचर का पैसा लेके आप मतलब फील्ड में घूम रहे हैं, तो मैं बहुत हिम्मत के साथ मतलब इस फील्ड में आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी कोई मेरा सहयोग करें जिससे कि मैं असली मुद्दों पे काम कर सकूँ, असली मुद्दों को उठा सकूँ। देखिए, हमारे यहाँ 3 साल की डिग्री आज भी 5 साल में मिलती है। क्या आप जाके देखिए, क्या विश्व में किसी कोने में ऐसा होता है क्या? इतनी भारी जनसंख्या, सिवान, गोपालगंज, ये सब महाराजगंज मिला दीजिए, कि यूनिवर्सिटी लोग नहीं ला सकते हैं। 22+ यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में मोदी गवर्नमेंट ने खोला है। क्या चाहते तो इतने दिन से मोदी गवर्नमेंट के लोग सब तो उन्हीं को वोट दें। 39 MPs हैं, एक यूनिवर्सिटी भी नहीं ला सकते थे क्या? एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडरीज कंपनी हमारे बिहार में नहीं आई है, सिवान तो छोड़िए पूरे बिहार में, कि लोगों को कुछ काम धंधा मिले, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह कुछ नहीं है। हमारे यहाँ मतलब हमारा पतन होते जा रहा दिन पर दिन। हम लोग जिस स्थिति में जिए हैं, हमारे दादा परदादा, उससे भी बुरी स्थिति हमारे आने वाला जनरेशन जिएगा। आपकी लोकसभा लड़ाई आपको इंडिया भाजपा गठबंधन के साथ जो कविता सिंह जी हैं उन्हीं के साथ है, क्योंकि वर्तमान में सांसद वही हो सकता है कि कहीं टिकट उनको मिले, तो कहीं ना कहीं लड़ाई आपकी भाजपा के साथ ही है, तो फिर आप उसको कैसे कर पाएंगे? किस चीज़ को? लोकसभा उम्मीदवार भाजपा का ही यहाँ पर अभी तो मैं तो भाजपा से हूँ नहीं, मैं तो निर्दलीय हूँ। जैसे कि इनका कहने का मतलब है कि आप मोदी जी के कार्यों से प्रभावित है और उन्हीं के गठबंधन से आपका मुकाबला है एनडीए से? नहीं नहीं, देखिए, प्रभावित होना एक किसी को, एक अच्छा डॉक्टर है अगर वो काम करता है तो आपको अप्रिशिएट, एक अच्छा टीचर है पढ़ाता है तो बोलना पड़ेगा, तो कुछ काम है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल में पूछना चाहता हूँ कि प्रकाश मणि तिवारी इतना सोच लेकर आए हैं, लेकिन बिहार की जो राजनीति है जातिवाद पर चलती है, तो क्या प्रकाश मणि तिवारी इस जातिवाद वाले जो बंदिशे हैं उनमें परिवर्तन कर पाएंगे, क्योंकि जाति के नाम पर वोटिंग होती है? देखिए, तो आपके जो सोच उनके अंदर डेवलप कर पाएगा? देखिए, ये तो आगाज हो चुका है, सब कुछ समझ चुके हैं कि जाति के नाम पे हम सभी को ठगा जाता है। इस हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग इस चीज को समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि जात पात के नाम पे हमसे वोट लिया जाता है, अल्टीमेटली वही किया जाता है जो उनके हित में होता है। तो इस बार जनता काफी जागरूक है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो लोग वही चुनेंगे जो उनके लिए बेहतर होगा। हमसे भी जो बेहतर होगा उनको भी लोग चुन सकते हैं। मैं तो यही अपील करूंगा, जो सबसे बेहतर हो उन्हें चुना जाए।